केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर आज ऊना दौरे पर रहे। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने श्री राधा कृष्ण मंदिर में चल रहे धार्मिक समागम में शिरकत की और साथ ही कुटलहेड़ विधानसभा क्षेत्र में विकासात्मक योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। अनुराग ठाकुर ने ऊना में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय बजट में हिमाचल को मिले लाभ गिनाने के साथ साथ कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत पर शुभकामनाएं भी दी। अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के शाहीन बाग के मुद्दे पर कहा कि शाहीन बाग में आखिरकार पाकिस्तान सहित अन्य देशों में जुल्म से रहे अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का विरोध क्यों हो रहा है। अनुराग ठाकुर ने ऊना विश्राम गृह में लोगों की समस्याओं को सुना और समस्याओं के शीघ्र निदान का आश्वासन भी दिया। दिल्ली की जनता ने वोट किया है और वोट जिस पार्टी को मिला उसको अब मौका है दिल्ली में काम करने का। मेरी ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे लगता है कांग्रेस ने अपने आप को आउटसोर्स कर दिया है, चाहे वो पिछला चुनाव हो या ये चुनाव हो। 5% से नीचे कांग्रेस का वोट बैंक आ जाए तो आप कल्पना कीजिए कि बिखरती बिखरती कांग्रेस पंजे से झाड़ू की ओर चल पड़ी है। शाहीन बाग बड़ा मुद्दा है। आप एक चुनाव के वोट को लेकर शाहीन बाग को किनारा नहीं कर सकते। वहाँ विरोध किस बात का है? जिनके धार्मिक स्थलों को, चाहे वो चर्च हो, गुरुद्वारा हो या मंदिर हो, मिट्टी में मिला दिया जाता है, क्या उन लोगों को नागरिकता देना अपराध है? अगर 70 सालों में इस पर कमी रही और उस कमी को दूर करने का काम मोदी जी ने किया है तो मुझे नहीं लगता इस पर किसी को इतराज होना चाहिए। आखिरकार शाहीन बाग में से इसका इतराज क्यों है? हिमाचल दस्तक बेब टीवी के लिए ऊना से राजीव भनोट की रिपोर्ट।